सुष्मिता सेन पैदाइश 19 नवंबर 1975 एक हिंदुस्तानी अदाकारा मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 के मुकाबले की फातह है। वो मिस यूनिवर्स का मुकाबला जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी है। वो इससे कबल 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहन चुकी थी। मिस यूनिवर्स का मुकाबला जीतने के बाद इसने बतौर फिल्मी अदाकारा काम किया है। मिस यूनिवर्स के तौर पर अपने दौर के बाद सेन एक अदाकारा बन गई। इनकी पहली फिल्म दस्तक 1996 में थी, जिसमें इन्होंने शिकार का किरदार अदा किया, जिसका किरदार शरद कपूर ने अदा किया। मकल देव ने मरकजी अदाकार के तौर पर काम किया। इसके बाद इसने 1997 की तमिल एक्शन फिल्म रतजागन में काम किया। दो साल बाद डेविड धवन की कामेडी फिल्म बीवी नंबर एक में रौपाली के किरदार ने इन्हें 1999 में बेहतरीन मुआविन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। बीवी नंबर एक 1999 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। उसी जुमरे में ड्रामा सरफ तुम में अपने किरदार के लिए नामजद किया गया। 2000 में वो फिल्म फिजा में एक गाने में नजर आए। इसे फिल्म आंखी के लिए तनकीदी पजीराई और बाकस ऑफिस पर कामयाबी मिली। इनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी 2004 की एक्शन फिल्म में हूं ना के साथ मिली, जो इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बाद में सुष्मिता ने अजय देवगन के साथ मैं ऐसा ही हूं में वकील का किरदार अदा किया। 2005 में इसने मैंने प्यार क्यों किया में मरकजी किरदार अदा किया। सलमान खान और कतरीना कैफ के मुकाबले इसने कर्मा और होली में भी मरकजी किरदार अदा किया। 2010 में सुष्मिता ने दलहा मिल गया में शमर नामी एक कामयाब सिपर मॉडल का किरदार अदा किया। इस साल इस फिल्म ने मामूली कामयाबी हासिल की। वो उसी साल एक्शन और कॉमेडी फिल्म नौ पराबलम में भी नजर आई। 2015 में इसने एक बंगाली ड्रामा फिल्म नरबाक में काम किया। सुष्मिता के करियर में ये बंगाली जबान में इनकी पहली फिल्म थी। 2020 में सुष्मिता डिज्नी हॉट स्टार की टेलीविजन सीरीज आर्या में नजर आई, जहाँ इन्होंने 2021 का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जीता था। वो दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाले दूसरे सीजन के लिए वापस आई। सुष्मिता ने दो बच्चे गोद लिए हैं। सुष्मिता सेन को एडिसन की बीमारी है और इस बीमारी को संभालने के लिए इन्हें ताहयात स्टेरॉइड अद्वियात की जरूरत है। सुष्मिता सेन और रोहमन शाल 2018 से 2021 तक रिश्ते में थे। जुलाई 2022 में ये खबर आई थी कि वो बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ललित मोदी से डेटिंग कर रहे हैं।